स्टूडेंट, आज हम रेजोनेंस मेथड के बारे में पढ़ते हैं। रेजोनेंस क्या चीज होती है और बेंजीन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या है। रेजोनेंस मेथड किसी भी मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करनी पड़ती हैं। अब हम यही पढ़ते हैं आज कैसे। तो रेजोनेंस मेथड। अब ये रेजोनेंस क्या चीज है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स अगेन पेरेंट स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Of atoms the possibility of different valence schemes of valence electron of atoms is called resonance and the structures thus arranged are called resonance structures resonance are contributing structures अब रेजोनेंस को कैसे शो करते हैं। दिस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो यूं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, बेंजीन जैसे है। आप बेंजीन की जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं ये देखिए, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर्स हैं। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 6
तो ये है रेजोनेंस मेथड या रेजोनेंस क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयर स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स का। अब इसमें देखें, ये देखिए डबल हेलल एडिट यहां पर ये आ जाए तो ये रेजोनेंस है। अब ये बेंजीन की जो है देयर आर फाइव रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी ये वो पांच स्ट्रक्चर्स हैं जो बेंजीन की हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो है अपना अपना हिस्सा डाल रही है। अब इसमें दो जो हैं ये की कोर स्ट्रक्चर है और तीन जो हैं ये दीवार स्ट्रक्चर्स हैं। कौन सी हैं? दीवार स्ट्रक्चर्स, दीवार स्ट्रक्चर्स। दीवार स्ट्रक्चर्स अब इसमें देखिए ये कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फोर। दीवार स्ट्रक्चर जो है तीन जो है दीवार स्ट्रक्चर हैं और दो जो है ये की कोर स्ट्रक्चर है। अब दीवार स्ट्रक्चर जो है ये माइनर कंट्रीब्यूटर है, यानी बेंजीन की स्ट्रक्चर में कम हिस्सा डाल रही है जबकि ये जो है ये ज्यादा हिस्सा डाल रही है। अब कैसे, क्यों? तो देखिए दीवार स्ट्रक्चर में दीवार स्ट्रक्चर एन दीवार स्ट्रक्चर्स कार्बन एटम्स एट अपोजिट पोजिशंस, अपोजिट पोजिशंस यानी वन फोर वन फोर टू फाइव और इसी तरह थ्री सिक्स आर एट लार्जर डिस्टेंस देन दोज एट एडजेसेंट पोजिशन। यानी वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स हेंस द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन वन टू कार्बन फोर कार्बन टू कार्बन फाइव कार्बन थ्री कार्बन सिक्स आर नॉट फेवरेबल फेवरेबल एनर्जेटिकली एनर्जेटिकली हेंस These are minor contributor, minor contributor दीवार स्ट्रक्चर में। ये देखिए ये दीवार स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें जो कार्बन एटम्स हैं अपोजिट पोजीशन पर, ये देखिए ये लार्जर डिस्टेंस पर है बनिस्पत इनके बाकी कार्बन एटम वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव सिक्स इस तरह। इसी तरह से देखिए कार्बन नंबर टू और पांच के दरमियान ये लार्ज डिस्टेंस पर है, इसे थ्री और सिक्स के दरमियान बनिस्पत एडजेसेंट वन टू टू थ्री इस तरह। तो इस तरह जो है इस तरह जो कार्बन बॉन्डिंग है ये वन और फोर के दरमियान टू और फाइव के दरमियान थ्री और सिक्स के दरमियान ये जो बॉन्डिंग है ये एनर्जेटिकल फीजिबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं तो जो दीवार स्ट्रक्चर है ये माइनर कंट्रीब्यूटर है बेंजीन स्ट्रक्चर में। दूसरे लफ्जों में जो कीकोर स्ट्रक्चर है कीकोर स्ट्रक्चर इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर। इसलिए अब हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होगी बेंजीन की उसको हम कीकोर स्ट्रक्चर से जैस कर सकते हैं
therefore resonance hybrid structure of benzene is represented by equal structures. की कोर स्ट्रक्चर के जरिए हम इसको फिट कर सकते हैं। ये हैं दो की कोर स्ट्रक्चर, ये इस तरह। अब इसमें जो है की कोर स्ट्रक्चर में द थ्री सिंगल बॉन्ड्स alternating with three double bonds are called resonating bonds or conjugating bonds. The three single bonds alternating with three double bonds are called resonating bond or conjugating bonds. तो resonating bond क्या होते हैं या conjugating bonds? तो अब benzene के अंदर जो तीन bonds हैं, इनको हम कहते हैं। अब चूंकि benzene की जो structure है, ये resonance hybrid है, इन दो की को structure का, इसलिए इसको हम, और इसका मतलब ये है, तमाम जो bonds हैं, carbon bonds benzene में equal है। Benzene molecule is a resonance hybrid hence all the carbon bonds are equal and different from alkene and alkyne. अब अल्केन में अल्केन में कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं, 154 आंगस्ट्रॉम है। और इन अल्कीन में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स हैं डबल बॉन्ड्स, इनकी जो है 134 आंगस्ट्रॉम। इसी तरह इन अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है, इसकी जो लेंथ है बॉन्ड लेंथ 120 आंगस्ट्रॉम है। और इन बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड है 1.397 आंगस्ट्रॉम। अब अगर इसमें देखा जाए तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ये देखें, अल्केन में 154 है, अल्कीन में 134, जबकि बेंजीन में 139, जो कि 134 अल्कीन और 154 अल्केन इन दोनों के दरमियान है। इसलिए बेस्ट स्ट्रक्चर जो बेहतरीन साख्त है बेंजीन के लिए
वो कैसे है कि बेंजीन रिंग के अंदर एक मुकम्मल सर्कल जो है वो बना दिया जाए। तो बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड is represented by describing a complete circle inside in the benzene ring in the ring इस तरह जो है benzene structure दिया है। इस तरह जो है बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है ये अंदर में पूरा जो है कंप्लीट सर्कल लगा दे। बहरहाल आमतौर पर बेंजीन स्ट्रक्चर अगर इस तरह देंगे तो ये ज्यादा बेहतर है, अगर कीकोर स्ट्रक्चर वाले भी ड्रा कर देंगे तो भी ठीक है। तो ये है जी बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, पढ़ा आपने रेजोनेंस क्या है, रेजोनेटिंग बॉन्ड क्या होते हैं या कॉन्जुगेटिंग बॉन्ड क्या होते हैं, और इस तरह जो है ये मुख्तलिफ। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है।